वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत करुच्छी भारती क्लासेस को मु सागर। सो स्टूडेंट, अनेक दिन रो व्यवधान पर पुणी आम आसीचु आपण मान जो कंटिन्यूअसली क्लास चलुला प्रत्येक दिन से क्लास को। सो स्टूडेंट, दशम श्रेणी पिलामानंकर आम क्यों क्लास पढ़ुले गणित तृतीय विषय समांतर प्रगति पढ़ुले, हाँ कि ना स्टूडेंट? पुणी थे कही रखुच्छी सप्ताह छदिन आम मैने रेगुलर क्लासेस करवा एवं सप्तम दिन माने संडे दिन आपण मानकर टेस्ट रहइबो, हाँ कि नहीं? संडे दिन गोटे टेस्ट रहइबो, किंतु जो छ दिन आपण मानकर क्लासेस होछि प्रत्येक दिन तीनोटी लेखाएं क्लासेस हबो, जो बेसिस रे पढ़ा जाउतिला ठीक से बेसिस रे आमे माने पढ़िबा। तो छटी क्लासेस रु जो छ दिन आमे रहइबा, छ तारिख 18टा क्लासेस हबो एवं गोटे दिन जो संडे रहउछि से दिन आपण मानकर टेस्ट हबो। ये जो तीनो तीनोटी लेखे क्लास अच्छी, दुईटी क्लास कंटिन्यूअसली फिक्स, कौन? मैथमेटिक्स एवं ज्योमेट्री। जेहेतु आपण मानकर सिलेबस बहुत बड़ तेणुकरी आम मैथमेटिक्स एवं ज्योमेट्री को फिक्स कर दीचु। प्रत्येक दिन मैथमेटिक्स एवं ज्योमेट्री पढ़ा से परिमिति सेक्शन अच्छी, से अंकन सेक्शन अच्छी, किंतु बाकी अल्टरनेट सब्जेक्ट गुड़िक पढ़ा। अल्टरनेट सब्जेक्ट गुड़िक कौन कौन? साहित्य, इंग्लीश, हिंदी, संस्कृत, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सबुतक सब्जेक्ट को आम अल्टरनेट करके पढ़ुचे। ओके, हिस्ट्री ज्योग्राफी आपण मान को बहुत सुंदर एवं सरल भाव पढ़ाऊँ। साइंस बेसिक लेवल रु के मैंने अष्टम श्रेणी जो मैंने भी साइंस बुझी ना से बुझीपारे। देन आपण मैंने तो इंग्लीश बहुत सहजे बुझुं, इंग्लीश स्टोरीज आपने भलसे रिप्लाई दे जो प्रश्न पचरा जाए, किंतु एमआईएल एपर्यंत कौन से क्लासेस है ना, कि हिंदी एपर्यंत कौन से क्लासेस है ना, किंतु से सबर क्लासेस एथर कंटिन्यू करवा। तो स्टूडेंट, एबे पर्यंत आपण जदि आम चैनल रे नुआ अछंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिने, बेल आइकन को पाखेर अछि गोटे बेल आइकन, से बेल आइकन को प्रेस करिवे एवं ऑल बटन रे क्लिक कर दिथु, ताकि हमर जो प्रत्येक दिन रो क्लास होछि आपण को सर्च करबा को पड़िबो यूट्यूब रे आसी। मोबाइल रो स्क्रीन देखंथु, मोबाइल स्क्रीन रे टाइमिंग अनुसार ही आपण मानकु शो कर दबो। तो स्टूडेंट, सका सतटे गोटे क्लास हम, बारटे दिन बारटे आउ गोटे क्लास एवं संध्या सतटे आउ गोटे क्लास हम। कौन कौन कहली? प्रत्येक दिन सका सतटे गोटे, दिन बारटे आउ गोटे एवं संध्या सतटे आउ गोटे क्लास हम। तो स्टूडेंट समस्ते अन्य मानक सेयार कर दिंतु, जो मैंने नुआ अच्छा पुराणा अच्छा समस्त को। तो अनेक दिन व्यवधान में आम क्लासेस को आसीचे, तो प्रथम जाणने तो चलतु आम समांतर प्रगतिर को जाए पढ़ी थे रिविजन करदेव, ताकि जो मैंने नुआ भी अच्छा जो मैंने पुराणा अच्छा समस्त को हेल्पफुल हम। प्रथम आम जाने अनुक्रम कौन? अनुक्रम कौन? गोटे सीरीज रे संख्या थी, से भितर गोटे अंतर थी, निर्दिष्ट क्रम थे से भर गोटे सिंपल अंतरटे थी, साधारण अंतरटे थी, जेनेराल डिफरेन्स थी। देन साधारण पद मान प्रथम पद को आम कहते साधारण पद। देन से कौन TN जानुथिले, TN कौन? टर्म नंबर। टर्म नंबर के तले जी जो नंबर टा लिखाई थी सेटा को आम कहे TN, टी रु आसला टर्म, एन रु आसला नंबर, TN जानुथिले। देन TN को आम केमी कैलकुलेट करवा से जानते, TN केमी कैलकुलेट करते देखूँ फर्मूला, किंतु ये फर्मूलू आम आहरी सरलीकृत भाव में पढ़ी TN को केमी आम जापर। सपोज T7 आपन को पचार, तो ए लिखु मिशाण ये सात लिखाई थी, ता पूर्व पद लिखिकी डी रे गुणी दिंतु, अर्थात जी नंबर पद आपण मानक पचार प्रथम पद सहित कौन मिसेबे, शेष पदर तार पूर्व पद गुणी मिसेबे। मुझे आपण मानक T20 मागिली, तो आपण मैंने कौन करेंगे? प्रथम पद मिशाण 19 आउ अंतरटा को गुणी देवे। तो सपोज मुझे T18 मागिली, कौन करेंगे? ए मिशाण 17 डी लिखिदेवे। तो आपण मैंने बुझिपाले यो फर्मूलाटा को टिके जज करूँ। ये एन लिखाई, तो ये एन माइनस वन लिखाई ना ना, तो आम मैंने सिंपल प्रोसेस बुझिपर कि जदि आपण मानक ये जहाँ भी डाटा पचार ये तार पूर्व डाटाटा को प्रयोग करेंगे। जदि ये सात लिखाई ता पूर्व संख्या केते, ये छ आसीज सात माइनस एक के छ, तो छ डी लिखिपर। सपोज आप 20 मागिला, तो ये आप 20 पूर्व संख्या के 19 आ बाकी ए आउ डी जमी मिशाण हो लिखा कथा लिखाई, ये लिखे ए मिशाण 19 रे डी गुणे, तो यहाँ हाँ आपणकर T20। तो आम टर्म केमती बाहर करवा जाने, टर्म 2 रु टर्म 1 फेडिले कौन ना डी, टर्म 3 रु टर्म 2 फेडिले कौन ना डी, माने पूर्व संख्यारू
মানে পরবর্তী সংখ্যার পূর্ববর্তী সংখ্যাটা যদি আমি ভেড়া তো সবুলে অন্তর কম আসবে গোটে ডি আসব। এইসব পরে আমি আউ কম জাঁথি কিছু সিজ নাই কি এক্সাম্পলস করে তাপরে আমি এসএন রোটে ফর্মুলা পড়িলে কম পড়িলে এসএন রর্মুলা পড়িলে মানে কোণী সংখ্যা ঠার আউসি সংখ্যা পর্যন্ত গোটে সিজ্রে আমি কেমি তার মিশাণ ফল বাহার করা। তো তা পূর্ব আমি জাঁথি এক রু শহে পর্যন্ত সংখ্যার মিশাণ ফল। তো আমি কম করে সর্বপ্রথমে প্রথমে এক রু শহে যায় মানে সান রু বড় ক্রমে মিশাইলে এবং বড় রু সান ক্রমে শহে রু এক যায় মিশাইলে। আউ প্রথমটা লিখলে এস হন্ড্রেড, দ্বিতীয়টা লিখলে এস হন্ড্রেড, কাহি এস মানে হল সম মানে মিশাণ, কতটা পদ না শহেটা পদ, এইটা কম স্টুডেন্ট কতটা পদ এই সিজ্রে অপোজ আপনার এই সিজ্রে চারোটি পদ থাকে তো আপনার কম লিখি থাকে এই জায়গার ওনলি চারি। সপোজ এমিতি গোটে সংখ্যা সিজ্রে থাকে দুই চারি ছ আট, এটি কতটা পদ অারোটি পদ, তো আপনার এস ফোর লিখবে মানে চারি নম্বর পদ পর্যন্ত মিশাণ ফল। তো এই চারি অর্থ এই চারি পর্যন্ত নুহ, এই চারি পদ অর্থাৎ এই চারি এটি লিখবা অর্থাৎ এক দুই তিন চারি চারোটি পদ পর্যন্ত আমি যাব। স্টুডেন্ট এটা আপনার রিভিজন ক্লাস রাখি, যে লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত ক্লাস কু কন্টিনিউ করে নিলে কিংবা মু পড়াই পাঠ কু ভুলে যাই সেই মানুষ আউথরে ক্লাস করছি। ওকে কালি পুনে আমি গণিতর ক্লাসে দেখিবা, জিওমেট্রি ক্লাস দেখিবা, আজি মধ্যে জিওমেট্রি ক্লাস পড়িবে সেতিরে মধ্যে কিছু রিভিজন পড়িবা। ওকে পুনি থরে দেখন্তু এঠি এস হন্ড্রেড লেখা আছে, এঠি মধ্যে এস হন্ড্রেড লেখা আছে, তো কতটা হয়ে গেল দুইটা এস হন্ড্রেড হয়ে গেল হ্যাঁ কি না। তো সবু তক সংখ্যা মিশাঁতু, এটি কত আসছি শহে এক আসলা, এটি মধ্যে মিশাইলে শহে এক, এটি মধ্যে মিশাইলে শহে এক, সবুঠি মিশাইলে শহে এক হব। আতটা শহে এক আসব যেহেতু শহেটা পদ লা, তো শহে একটা কত থর আসব শহে থর আসব, তো আমি জাঁলে শহে থর আসব শহে এক, তেণুকরি আমি লিখলে শহে এক গুণন শহে। আভক্তক দুই কাহি লিখলে এই দুইটা আমি দরকার না, তেণুকরি আনিকি বিভক্তক দুই করেদেলে। তো মু যদি আপনার কে দুইটা এটি পাঁচ থর মিশা যাই কহিলি দুইটা এটি পাঁচ থর মিশা যাই তো আপনার কম করলে দুই গুণন পাঁচ লিখি দেলে কি না। ঠিক সেইভাবে ভাবে শহে একটা যদি পাঁচ থর মিশা যাই তো আপনার কম করে থাকে কুহতু মতো। সপোজ মু চারিথর লিখিছি, চারিথর লিখিছি, তো আপনার কম করে থাকে শহে এক গুণন চারি করি উত্তর করে থাকে। ঠিক সেইভাবে শহে একটা শহে থর গুণা হয়েছি, তো শহে একটা শহে শহে থর মিশা হয়েছি, তো আমি লিখিপারা শহে এক গুণন শহে। তো এই পর্যন্ত ডাটা ক্লিয়ার হয়ে গেল পিলামানে, দুইটা যে এইটি রয়ে যাই বা এইটি যে দুইটা রয়ে যাই দুই এস হন্ড্রেড আমি দুই দরকার নাই, আমি এস হন্ড্রেড দরকার কাহি না, ইয়ার অর্থ হচ্ছে শহেতম পদ পর্যন্ত সমষ্টি, আমি দুইথর শহেতম পদ পর্যন্ত সমষ্টি দরকার নাই। তো দুইটা আনিকি সিধা সড়ক ভাবে হরি দিও, আত্তর আসিছি পচাশে আউ পচাশে অর্থাৎ ফাইভ থাউজেন্ড ফিফটি। তো ইয়ে আপনার রহলা এক রু শহেতম পদ পর্যন্ত মিশাণ ফল। সেমিতি যদি আমি এক রু কোড়িয়েতম পদ পর্যন্ত মিশাণ ফল বাহার করে থাকে, সিম্পল ফণ্ডা যদি এটি শহে লা তা পরবর্তী সংখ্যা সহ গুণা গলা হ্যাঁ কি না, সেমিতি কোড়িয়ে যায় লেখা হল, তো কোড়িয়ের পরবর্তী সংখ্যা কত একইশ বাই টু, যদি আপনার এমিতি ন করছেন আপনার কম করে পেবে এক দুই তিন ডট 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 কোড়িয়ে মিশাই করে লিখবে, পুনি তা পরবর্তী সংখ্যার লাইনরে কম করবে ওলোটেকি লিখবে এমতি ডট 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 করি মিশাইবে। এইটা আমি কম কেপার এস টোয়েন্টি, এইটা মধ্যে কেপার এস টোয়েন্টি, তো কতটা এস টোয়েন্টি হল দুইটা এস টোয়েন্টি হল দুইটা এস টোয়েন্টি হল আইটি মিশাঁতু দেখুন এইটা কত হল একইশ। ঠিক সেইভাবে এঠে মধ্যে একইশ 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 সবু তো একইশ আসা আতটা একইশ আসা যেহেতু কোড়িয়েটা পদ অমি লিখিপার কোড়িয়েটা একইশ অন্তু আমি এই দুই দরকার না এটি গুণা হয়েকি আমি হরবার অই কি কোড়িয়ে কাটলে কত দশ আইশ দশ আসা উত্তর। আমি ফর্মুলা প্রথম কম পকাইলে একইশ তার পূর্ববদ সংখ্যা বা টু বা আপনার কোড়িয়ে যাই দিয়েছিল কোড়িয়ে তাহার পরবর্তী সংখ্যা বা টু আটলে কত হচ্ছে দশ মানে দুইশহ দশ। কিন্তু এইসব পরে আমি আপনার গোটে বড়িয়া ফর্মুলা দিয়েছিল এস এন ফর্মুলা, কোণ এস এন ফর্মুলা। আস এন ফর্মুলা কোণ না এস এন রর্মুলা হল এইটি যে এন দেখবে আপন মানে সেইটা কু দুই হরবে প্রথমে, এটি এন আপনার দেখলে তো এন বাই টু করতু আপরে এ মিশাণ এল কু ব্রাকেটে রাখতু অর্থাৎ এন বাই টু যে ডাটাটা আসবে সেইটা মল্টিপ্লাই কেউ হব এ মিশাণ এল রে
बुझिपारे ए मिशाण एल रे किंतु ए तो आम जाने प्रथम पद कि एल्टा कौन ये देखु एल्टा कौन एल हूँ आपणकर टीएन टीएन माने कौन शेष पद आउ थे डीपली बुझु ई पाठटा आपंकर बहुत मजाया पाठटे जो मैंने बुझीथे डीपली किसी डिफिकल्टीज आसवन स्टूडेंट ये टी ध्यान से देखते कौन लिखाई एन माने एन तम पद पर्यंत समष्टि कौन कहली जदि ये एस ए फोर लिखा जाता तो आपड़ कौन कही था चारि नंबर पद पर्यंत समष्टि हाँ कि नाई चारि नंबर पद पर्यंत समष्टि तो ये कौन लिखाई था एन जगार चारि तो ए आउ एल भितर आपणकर फरकटा बुझार अच्छी ए तो आपको सीरीज्र प्रथम पद मिलगला किंतु ये जो एलटा आसा हम ये चारि नंबर पदटा माने टीएनटा टीएन कौन स्टूडेंट एटी एन जदि चारि तो ये भी चारि हम कौटी ए टीएन रे भी चारि हम आउ टी चारि अर्थ कौन पद चारि कौन पद चारि तो पद चारि देखिले एक दुई तीन चारि आउ थे डीपली बुझाऊँ ए से फोर आपन को जदि पचारा तो आप कौन करेंगे फोर बाय टू लिखे कहीं एन अच्छी एन अच्छी जो एन आसो चार पकईदे चार बाय टू प्रथम पद आपर जहाँ रहा पकईदे प्लस एलटा कौन ना टीएन आपण मानक कही आउ टी टी को टी रखिली एन कौन ना फोर तो चारि मान आपणकर जो चारोटी पद दे थोना से चारि नंबर पदटा जीए सीए ही हम टी फोर बुझिपाले तो ये टी फोर लिखिदे कि डायरेक्ट कैलकुलेशन करदे बुझीगला ए तो आप मुंडूर बाहर कर दिंतु एल को सिंपल भाव में मन रखु टी फोर को जितकी नंबर पद मागिचे से नंबर पद अर्थात इनडायरेक्टली आम कहले आम शेष पद बोली भाभी नवा शेष पद कहीं कहवा यही आपणकर शेष पद एन जोटा जाए देसी एन रोतर से जाए ही पकेबे माने एन जदि कोड़े मागिचे कोड़े नंबर पद ही हम आपर शेष पद एन जदि फोर्टिन मागिचे फोर्टिन नंबर हम आपर शेष पद शेष पद आपर फोर्टिन हम से कहूनी कौन कहली शेष पद आपर फोर्टिन हम से कहूनी यहीटा हो पार ना फोर्टिन तम पद ही आपणकर शेष पद हम है बुझीला तो ये आम जा एस एन फर्मूला को आउ क्यों प्रकार डिस्क्राइब कर देखु ये फर्मूला को आम डिस्क्राइब करके बुझीपर एस एन एन कौन जो पद पर्यंत आम मिशाण करे से ही पद को लास्ट को लिखा प्रथम पद को आरंभ लिखा ताकू मिशाण करके जहाँ उत्तर पड़ा एन बाय टू रे गुणी दबा सिंपल फर्मूला मन रहा किंतु आम एन तम पदर गोटे फर्मूला जाने एन तम पद फर्मूला कौन स्टूडेंट मुझे कही जब टी फोर मागी था आप कौन कर ए मिशाण थ्री टी कर चार रही तो ये तीन आसब ये छ रही तो ये पाँच आसब ये न रही तो ये आठ आसब तो ये एन रोटी ए टी एन जगार एन रही तो ये एन माइनस वन आसवे डी गुणा हे आ ए मिसा है हाँ कि ना स्टूडेंट तो ये कलापर आपड़ ये टीएन रटाटा को जब पकई दौंस तेल कौन आसीज देखो टीएन रटा पकाहगला एस एन फर्मूलार एस एन रर्मूलार एन बाय टू को एन बाय टू रखाला प्रथम पद को ए रखाला किंतु एन तम पद बा टीएन को आम पकईदे ये एवं दीटा ए आपखिपार तो टू ए लिखिदेला एन माइनस वन डी को एन माइनस वन डी रखिदेला तो सिंपल भाव में फर्मूला आम दुईटा भाव में जान लें एस एन रर्मूला यहीटा गोटे हम एस एन रर्मूला गोटे हम तो नेक्स्ट क्लासेस रे आपण मानक यह बहुत सारा एग्जांपल्स करेबी किंतु वीडियो शेष गोटे रूल अच्छी आपण मानक क्वेश्चन पचर जाए कौन कहली वीडियो शेष गोटे रूल्स अच्छी कि आपको क्वेश्चन पचर जा तो स्टूडेंट मत निहाती भाव में दुईटा क्वेश्चन उत्तर देवे टी ट्वेंटी वन फर्मूला आम कौन लिखिपर आओ जदि टी ट्वेंटी वन आम बाहर कले एस ट्वेंटी वन उत्तर मत बाहर करके देखाओ सपोज टी ट्वेंटी वन आप फर्मूला पकेले एस ट्वेंटी वन फर्मूला पकईकि देखे यही दुईटा क्वेश्चन उत्तर दिंतु स्टूडेंट वीडियो जदि भल लगुच निहाती भाव में लाइक करेंगे कमेन्ट्रे जनइबे प्रश्नर उत्तर एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करके रखि था प्रत्येक दिन तीनोटी क्लासेस हम केतोटी क्लासेस हम तीनोटी रेगुलरली मैथ क्लास हो ज्योमेट्री क्लास होता बाद आउ गोटे अल्टरनेट सब्जेक्ट ये अल्टरनेट सब्जेक्ट कौन कौन रोचे साइंस रहा हिस्ट्री रहा ज्योग्राफी रहा एमआईएल रहा इंग्लीश रहा संस्कृत रहा तो ये सारा सब्जेक्ट पढ़ा जा रेगुलरली तीन तीन टा क्लासेस करा तो डेरी करूँ चैनल को सब्सक्राइब कर था देखा नेक्स्ट क्लास दिन बारटे ज्योमेट्री क्लास रोचे स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच।